ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैतन्य चरित आदि लीला चैप्टर 4। वेल चैप्टर 4 जो है आदि लीला, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने टेक्स्ट 6 जो आदि लीला के चैप्टर 1 में जो 14 श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक्सप्लेन किए हैं, मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो 14 वर्सेस हैं जिसमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे की फिलॉसफी के सिद्धांत और चैतन्य महाप्रभु के बारे में समराइज किया है। तो उसमें जो 14 श्लोक है, मतलब महाप्रभु कौन है, क्यों आए, ये सारी चीजें उन श्लोकों में, नित्यानंद प्रभु कौन है, अद्वैत आचार्य कौन है, तो उनमें से ये जो 6th श्लोक है आदि लीला चैप्टर 1, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये एक्सप्लेन किया है कि महाप्रभु के अवतार लेने का कॉन्फिडेंशियल रीजन क्या है। चैतन्य महाप्रभु इस संसार में 2 कारणों से आए थे, एक एक्सटर्नल रीजन, एक बाहरी कारण, एक अंतरंग कारण। सार में तो यह कि बाहरी कारण यह था प्रचार करने के लिए, हरि नाम को दूसरों को देने के लिए, गोलोक हिरा प्रेम अधना हरि नाम संकीर्तन, मगर धर्म की स्थापना, प्रेम धर्म की स्थापना करने के लिए या प्रेम नाम का वितरण करने के लिए, और अंतरंग कारण कुछ और था, वो इस श्लोक में बताया है। तो वो कृष्णदास कविराज स्वामी उसी को 4 चैप्टर में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अंतरंग कारण था एक लाइन में कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम क्या है, उसको आस्वादन करने के लिए, वो अंतरंग कारण था। सो कृष्णदास कविराज स्वामी लिख रहे हैं कि जब 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 युग बदला, द्वापर से कलयुग आया, तो चैतन्य महाप्रभु के आने का वक्त हो गया, वो टाइम भी वो हो गया प्रेम प्रचार करने का, और उसी टाइम भगवान कृष्ण के हृदय में श्रीमती राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने की इच्छा आ गई, तो दोनों एक साथ हो गया, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार बाहरी कारण और अंत कारण दोनों के लिए हुआ है। ओके, सो ये कृष्णा कृष्ण स्वामी ये सब कुछ 4 चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे चैतन्य चरितमृता का, एंड देन लेट्स सी। 4 चैप्टर का नाम ही है द कॉन्फिडेंशियल रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। बहुत बड़ा चैप्टर है, 277 वर्सेज हैं, आज तो खत्म कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, बट लेट्स सी, एक दो दिन में हो जाएगा। ओके, क्या लिख रहे हैं कृष्णा कृष्ण स्वामी। श्री चैतन्य प्रसादेन तद रूपस्य विनिर्णयम् बालो अपि कुरुते शास्त्रम दृष्ट्वा व्रज विलासिनः। सो ही सेइंग कि चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद से, उनकी कृपा से, तद रूपस्य विनिर्णयम् बालो अपि कुरुते, एक बालक भी भगवान कृष्ण के स्वरूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है, और बल्कि शास्त्रों को समझ भी सकता है वो एक बालक, या शास्त्रों के अनुसार भगवान की चर्चा कर सकता है परम सत्य की। कैसे? दृष्ट्वा विरज विलासिना, और भगवान की लीलाओं का दर्शन कर पाएगा। कैसे? चैतन्य प्रसाद देना, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। श्रील प्रभुपाद अपने पौपट में लिख रहे हैं कि वेल, भगवान कृष्ण को समझना, उनकी लीलाओं की चर्चा करना, वो एक इंटेलेक्चुअल फीट नहीं है, आप इटालियन से नहीं कर सकते उसको, उसको तो भगवान की कृपा से होता है। भगवान की कृपा से जब व्यक्ति शुद्ध होता है
तब भगवान के बारे में थोड़ा सा शायद कुछ कुछ पता लगेगा। ऐसे कोई नहीं समझ सकता, इम्पॉसिबल है। सो आप डिस्कस जरूर कर सकते हो, डिस्कस तो कोई भी कर सकता है, डिस्कस तो बड़े बड़े स्कॉलर्स भी करते हैं। मतलब प्रभुपाद जी के जो गॉड ब्रदर थे, ओबीएल कपूर, नहीं हाँ अवध बिहारी लाल, तो उन्होंने भी किताब लिखी है, कृष्ण करना अमृत पे कमेंट्री लिख दी, और किताबें लिखी हैं। बट शीला प्रभुपाद के फ्रेंड भी थे वो, क्योंकि वो तो गौड़ियाँ मट गई हैं। बट शीला प्रभुपाद ने कहा कि वेल कि उनको ही इज अ स्कॉलर, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब इसेंस सिर्फ पता है, मगर अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग तो बहुत छोटा वर्ड है इसके लिए, अनुभव जीरो है इस चीज का। सो आप पढ़ सकते हो कि कृष्णा बहुत आकर्षित है, मगर अनुभव क्या है वो बात है, ये दैट्स अ होल पॉइंट। वो तो जीरो है ना। आप पढ़ सकते हो कि भगवान के नाम में, भगवान का नाम सबसे श्रेष्ठ है जो हम सुबह सुबह पढ़ते हैं, बट भगवान के नाम में कितना फोकस है, कितना आकर्षण है, वो तो कुछ भी नहीं है। सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। वो कह रहे हैं उसके लिए इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए इंटेलिजेंस कोई क्रिटेरिया है ही नहीं। उसके लिए क्रिटेरिया है, आप बालक भी हो सकते हो, बालो अपि कुरुते शास्त्र में। एक्चुअली बालक की जो कमेंट, बालक पे भी कमेंट कर रहे हैं, बालक का मतलब है एक सिंपल डिवोटी, सिंप्लिसिटी चाहिए, दैट्स द होल पॉइंट। बालक चाइल्ड, लाइक अ चाइल्ड्स क्राई, वो क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं। बालक यहाँ पे क्यों वर्ड यूज किया है, एक्चुअली कहाँ आ रहे उपेक्षा, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। मध्यम अधिकारी क्या करता है, भगवान से प्रेम करता है, समान जो अपने डिवोटीज हैं उनसे मैत्री करता है, जो इक्वल है डिस्कस करेगा उनसे, और जो बालक रूपी डिवोटी हैं उनकी हेल्प करेगा, और जो नास्तिक है, द्वेषी है, उनकी उपेक्षा कर देता है। वहां पे भी बालक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, हाँ सॉरी, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। तो कैसे है, ईश्वरे तत् अधीनेशु बालिशेषु दुषस्तुष, तो ईश्वरे तद अधीनेशु, ईश्वर से प्रेम, उनके जो अधीन लोग हैं उनसे मैत्री, बालक जो बालक रूपी लोग हैं उन पे कृपा, और जो द्वेषी लोग हैं उनकी उपेक्षा। तो वहां पे जो बालक है उस पे कमेंट दे रहे हैं आचार्य कि बालक वहां पे क्या बालक है, वहां पे बालक का मतलब है मूर्ख, मूर्ख मतलब जिनको अभी ज्यादा पता नहीं है, या यूं कह लीजिए जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है मगर हार्ट में सिंपल है, द्वेष नहीं है भगवान से, या सिंपल डिवोटी, डुप्लीटिशियस नहीं है, ये पॉइंट है उसमें, डिप्लोमेटिक नहीं है, उसको कहते हैं बालक। तो यहां पे भी बालक वर्ड यूज कर रहे हैं, बालो अपि कुरुते शास्त्रम। तो भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को समझने का एक ही रास्ता है, सरलता, और कुछ नहीं है। आप जितने सरल होते जाओगे उतने ही भगवान रिवील करते जाएंगे आपको अपने हार्ट में, अपनी क्वालिटीज, अपना रूप, अपना गुण, प्रभुपाद इसमें मेंशन कर रहे हैं। सो और महाप्रभु की कृपा से तो आप टॉप मोस्ट, मतलब टॉप मोस्ट जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है उसको भी समझ सकते हो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। सो अब उसको, अब वो उन्होंने श्लोक कोट किया यहां पर, अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियल रीजंस, क्योंकि वो कृष्णकृष्ण स्वामी हमें वॉर्न करना चाहते हैं कि भैया आप इसको, आप इंटेलिजेंस से मत समझने की कोशिश करो, आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूं, कृष्णकृष्ण स्वामी कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आप थोड़ी ग्लिम्स ले सकते हो, ग्लिम्स कैसे कहेंगे, झलक जरूर ले सकते हो, मगर इसमें एंटर करना है, प्रवेश करना है, तो आपको भजन करना पड़ेगा और शुद्ध होना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। बार बार प्रभुपाद पॉइंट ला रहे हैं, कृष्णकृष्ण स्वामी पॉइंट ला रहे हैं कि राधा रानी का प्रेम भगवान के लिए काम वासना नहीं है, इट्स नॉट लस्ट, वो पूरी डिस्कशन ही चल रही है, ये प्रूफ कर रहे हैं कि वो लस्ट नहीं है, इस चैप्टर में आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो बताना चाहते हैं भाई कि जब तक लस्ट है तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा वहां पे।
सो दैट्स द होल पॉइंट देयर. ओके, जय जय श्री चैतन्य, जया नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जयो गौर भक्तवृंद. चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैला विवरण, पंचम श्लोकेर अर्थ सुन भक्तगण. सो चौथे श्लोक का अर्थ उन्होंने विवरण किया. अब वो कह रहे हैं पांचवें श्लोक का अर्थ सुनो. पांचवा श्लोक क्या है? पांचवा श्लोक, पांचवा और छठा श्लोक वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियल रीजन. पांचवा श्लोक क्या है वैसे? इसमें देख लेता हूं. ओके, सो पांचवा श्लोक है, लेट्स सी, आदि लीला फर्स्ट चैप्टर फिफ्थ वर्स. पांचवा श्लोक है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मनौ अपि भुवि पुरा देह अभेदम गतौ तौ चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चेक्यमाप्तम राधा भाव द्विति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम. तो पांचवा और छठा श्लोक डिस्कस किया है कृष्ण स्वामी ने श्लोक इस चैप्टर में. पांचवा श्लोक है कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति रेप, कि राधा कौन है? कृष्ण भगवान की हलादिनी शक्ति है. ये तो सिंपल हो गया. मगर एकात्मनो अपि भुवि पुरा, तो पहले राधा कृष्ण एक ही थे, एक ही हैं, बट वो फिर अलग हो गए दोनों राधा कृष्ण के रूप में. क्यों? उस रस को आस्वादन करने के लिए, क्योंकि एक होगा तो रस आस्वादन नहीं कर सकते. नहीं तो पहले अलग हो गए और अब चैतन्य देहा भेदम गतौ तो अगर अब दोबारा अधुना अब तद्वयम च एकयम, फिर से एक हो गए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में. और एक कैसे हो गए? राधा भाव द्युति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम. एक कैसे हो गए? कृष्ण स्वरूप ने, कृष्ण भगवान ने राधा रानी का भाव स्वीकार कर लिया है और वो एक हो गए. उनको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु. सो वो एक क्यों हुए वो सब डिस्कशंस कर रहे हैं चैतन्य कृष्ण के समय, इस श्लोक को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके, मूल श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, अर्थ लगाइले आगे कहिते आभास. तो कह रहे हैं अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं. अब चतुर्थ श्लोकेर अर्थ ऐ कैला सार, प्रेम नाम प्रचारिते ऐ अवतार. कृष्ण गोस्वामी कह रहे हैं कि चौथे श्लोक में मैंने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, भगवान का नाम, प्रेम नाम प्रचारित, प्रेम नाम प्रचार करने. एक्चुअली जो शब्द है प्रेम नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेम नाम माला, प्रेम नाम, इस पे पूरी बुक है. जगदानंद पंडित बार बार प्रेम नाम के बारे में बात कर रहे हैं. गौर गोविंद महाराज ने भी बुक लिखी है प्रेम नाम माला. एक्चुअली गौर गोविंद महाराज जी कहते थे कि हम नाम नहीं करते, हम क्या करते हैं? प्रेम नाम करते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस देयर. प्रेम नाम संकीर्तन, सिर्फ नाम संकीर्तन नहीं है. क्यों? क्योंकि महाप्रभु नाम नाम देने नहीं आए हैं. नाम तो उससे पहले भी था, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हरे कृष्ण मंत्र तो पहले भी था, मध्वा संप्रदाय तो पहले से ही करते हैं हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग, और श्री संप्रदाय में भी होता, सबको पता ही है. कलिचंद्रों उपनिषद किसको नहीं पता. बट महाप्रभु प्रेम नाम प्रचारित है, ये अवतार प्रेम नाम प्रचार करने आए कि नाम को प्रेम से कैसे लेना है. दैट्स द होल पॉइंट. या यूं कह लीजिए कि नाम से प्रेम कैसे प्राप्त करना है, या यूं कह लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु नाम का प्रचार करने आए हैं और यह भी बताने आए हैं कि नाम से प्रेम कैसे मिलेगा, और वो प्रेम दान करने आए हैं. यू सी, नाम का दान और प्रेम का दान, वो दोनों कनेक्टेड कैसे हैं, उस नाम से प्रेम कैसे मिलेगा, ये सब बताने आए हैं चैतन्य महाप्रभु. ये फोर्थ वर्स है. चौथा वर्स आपको पता ही होगा, फेमस वर्स है, अनार्पिता चिरम चिरात करुण्यावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत चुलरसाम स्वभक्ति श्रियाम हरिपुरत सुंदर ज्योति कदम बसंदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत स्वसची नंदन. किसने लिखा है श्लोक? रघुनाथ दास गोस्वामी की कृति है, कोट कर रहे हैं वो.
यहाँ पर सदा हृदय कंदर स्फुरत व सचिनंदिना, सदैव हृदय में की गुफा में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते रहे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी मतलब रघुनाथ गोस्वामी ने लिखा है, उनको कोट कर रहे हैं। ये सारे श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी की सारे उन्होंने नहीं बनाए हैं, कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखे हैं, कुछ स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने लिखे हैं। ये पांचवा और छठा श्लोक स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कृति है, चौथा श्लोक रघुनाथ दास गोस्वामी की कृति है। रघुनाथ गोस्वामी कौन है? कृष्ण कविराज गोस्वामी के गुरु हैं। और चौथा पांचवा छठा श्लोक जिसमें कह रहे हैं कि महाप्रभु का अंतरंग कारण क्या आने का, वो स्वरूप दामोदर ने लिखा था अपनी डायरी में, वो भी आ जाएगा स्वरूप दामोदर कड़चा में। या चौथा वर्ष ये अब कह रहे हैं यहां पर सत्य ए हेतु किंतु ए हो बहिरंग। कह रहे हैं हां ये तो सत्य है, चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने आए हैं, मगर ये तो एक्सटर्नल रीजन है, बाहरी रीजन। अब बाहरी रीजन का मतलब ये नहीं है कि वो एक अनइंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट उतना ही है। इनफैक्ट बाहरी रीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि बाहरी रीजन को पूरा करने के लिए उन्होंने अंतरंग कारण को स्वीकार किया है, वो भी है। अगर चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव स्वीकार नहीं करते और उसको आस्वादन नहीं करते तो प्रेम प्रचार भी नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल था। सो वो दोनों लिंक्ड है, वो दोनों ऐसा नहीं है कि वो बाहरी कारण है इंपॉर्टेंट नहीं है या अंतरंग कारण है इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वर्णाश्रम भी भाई है मगर वो इंपॉर्टेंट उतना ही है, क्योंकि बिना राधा रानी के भाव को स्वीकार किए कृष्ण भगवान ना नाम दान कर सकते हैं ना प्रेम दान कर सकते हैं, इंपॉसिबल है, वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता किसी को बताए? मैंने कल बताया था नाम दान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण क्योंकि भगवान होते वो प्रीचिंग नहीं कर सकते, डिवोटी के रूप में ही प्रीचिंग होगी, डिवोटी के रूप में ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं भक्ति, और कोई तरीका ही नहीं है, भगवान के फॉर्म में नहीं कर सकते वो, इसलिए राधा रानी का भाव लेना पड़ा। सो वेल बट उसमें क्वेश्चन ये है कि और किसी डिवोटी का भाव ले लेते, राधा ही का भाव क्यों लिया है? ललिता विशाखा इतने सारे डिवोटी हैं, वह राधा का भाव लेना पड़ा स्पेशली प्रेम दान करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसलिए क्योंकि राधा का भाव जो है अगर कृष्ण भगवान नहीं लेते तो प्रेम दान नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण भगवान की हैबिट है जस्टिस, वो जस्टिस करते हैं, वो दान नहीं करते। जस्टिस कैसे कहेंगे? न्याय करते हैं, भगवान है ना वो, सो वो न्याय करते हैं, वो कहते हैं अभी ये था माम प्रपद्यन्ते, बस वो दान नहीं करेंगे ऐसे अयोग्यता अयोग्यता ना करा विचार नहीं कर सकते वो, और करते भी नहीं, उसका भी मैंने कारण बताया था, क्योंकि उनमें पार्शियलिटी का आरोप आ जाएगा। बट राधा रानी का जो भाव जब लेते हैं कृष्णा तो वो पागल हो जाते हैं, वो मदोन मोहित क्या कहते हैं मदान्वित हो जाते हैं, ही लूजेस हिज माइंड, उनको कुछ समझ नहीं आता सामने कौन खड़ा है, उनको ये समझ नहीं आएगा सामने गोकुल खड़ा है भरत खड़ा है, समझ ही नहीं आएगा, वो राधा रानी के प्रेम में पागल है। और वो बस जब समझ नहीं आएगा तो बस वो दान करते रहते हैं, बांटते रहते हैं, उनको पता ही नहीं कितने एक्सट्रीमली खुश हैं, इतने खुश हैं कि उनको पता ही नहीं उस खुशी में क्या कर रहे हैं। कभी कभी आदमी खुशी में पता नहीं लगता ना क्या कर रहा है, नहीं, जब बहुत खुशी में पागल हो जाता है। इसलिए मां चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी का भाव इसलिए भी लिया, अंतरंग कारण राधा रानी का भाव आस्वादन करना था, मगर बिना राधा रानी के भाव का आस्वादन किए चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रचार भी नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल था। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? इसलिए दोनों कारण एक दूसरे से लिंक्ड है, भाई ये कारण और
अंतरंग कारण। सो ये तो चलो बाह्य कारण था, प्रेम प्रचार और नाम प्रचार, मगर मैं बता रहा हूं कि बाह्य का मतलब ये नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है और अंतरंग कारण भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अंतरंग कारण बाह्य कारण को पोषित करता है, और जितना महाप्रभु राधा रानी का भाव प्रेम दान करने के लिए महाप्रभु को प्रेरित करता है, और जितना आदा चैतन्य महाप्रभु प्रेम दान करते हैं उतना ही राधा रानी का भाव आस्वादन कर पाते हैं, क्योंकि राधा का भाव ही है, राधा का भाव है डिस्ट्रीब्यूट करना, भगवान कृष्ण को वो देना चाहती है, लोगों को रखना नहीं चाहती, दैट्स व्हाट राधा रानी है। तो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड ही रहते हैं, दोनों उसको पोषित करते हैं, हाँ इक्वली इंपॉर्टेंट है, मगर एक्सटर्नल एक इंटरनल है, बस इतना है। हाँ मगर वो इक्वल है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो सेकेंडरी का मतलब वो नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। कृष्णवान इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पार्शियलिटी का रूप आ जाएगा, मगर क्योंकि प्रेमदान सबको करना है ना, सबको नहीं कर सकते, जो योग्य उसी को करेंगे, मगर यहां हमें सबको करना है, क्योंकि क्योंकि सबको करेंगे तभी युग धर्म स्थापित होगा ना, वो तो भक्त के रूप में ही कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है ना कि प्रेम दान करने के लिए आपको भक्ति लता बीज देना पड़ेगा, अब भक्ति लता बीज भगवान कैसे देंगे, क्योंकि वो तो अयोग्य को ही देंगे अयोग्य को, वो भगवान कर नहीं सकते, ये पार्शियलिटी का आरोप आ जाएगा। हाँ तो डिवोटी है ना, तो नहीं तो आप भक्ति लता बीज कैसे दोगे दूसरों को, जो ऑर्डिनरी आदमी उनको कैसे दोगे, वो तो सिंस करेंगे, पहले भक्ति लता बीज देना पड़ेगा, भक्ति करेंगे तब तो पाप की आदत हटेगी, और वो दे नहीं सकते भगवान, क्योंकि लोग कहेंगे आपने उसको क्यों दे दिया, भगवान सबको दे दें तो भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि भगवान तो किंग है, लीडर है, भगवान सबको दे देंगे तो आदमी वो तो पूरी सृष्टि की पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि सब लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करेंगे, वो तो सबको भी अगर देंगे तो फिर सबको देंगे, या तो नहीं देंगे या क्वालिफिकेशन से देंगे, अदरवाइज पार्शियलिटी का आरोप आएगा, वो नहीं हो सकता भगवान पे। पार्शियलिटी कैसे कहते हैं हिंदी में, पक्षपात, वो नहीं हो सकता, तो तीनों कंडीशन नहीं हो सकती। अब तो सबको दे देंगे तो फिर तो भक्ति लता बीज की वैल्यू क्या है, और फिर क्वालिफाइड को ही देंगे तो फिर अनक्वालिफाइड को नहीं मिलेगा, और उसको नहीं मिलेगा तो पाप कैसे हटेगा, इसलिए डिवोटी का रूप ही लेना पड़ता है, डिवोटी ही दे कर सकता है भक्ति लता बीज, और कोई नहीं कर सकता, इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि भक्त ही प्रचार कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकते, इसलिए भगवान अपने भक्तों की धूली देते हैं, तभी तो कहते हैं मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, तभी तो कहते हैं मैं भी अपने भक्तों की चरण रच लेता हूं, क्योंकि भगवान के बिना, भक्तों के बिना भगवान फेमस हो ही नहीं सकते और जीवों को उद्धार हो ही नहीं सकता, इंपॉसिबल है वो, इसलिए वैष्णव सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई, इसलिए मधुरे कदमनी में विश्वनाथ ठाकुर ये लिख रहे हैं कि प्रीचिंग का डिपार्टमेंट तो भक्तों के पास ही है और कोई तरीका ही नहीं है उसका, ये सारे डायनेमिक्स खराब हो जाएगी, नहीं ऐसे लाउड बोलो एक मिनट, वो एक डिफरेंट रीजन है, वो तो फिर एक रस के दृष्टि से, हाँ फिलोसफिकली पार्शियलिटी नहीं ला सकते भगवान, वो सिर्फ डिवोटीज के लिए केस में, वैसे इन जनरल नहीं है, डिवोटीज के केस में पार्शियलिटी कर देते हैं, इन जनरल आप कहोगे भक्ति लता बीच के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें नहीं है वो,
जैसे भक्ति लता बीज देने में तो पार्शलिटी नहीं कर सकते वो, ये है जब डिवोटीज के साथ रस का साथ आदान प्रदान होगा उसमें पार्शलिटी करते हैं, वैसे नहीं होता। वैसे ही बता देगा कि बी पार्शियल टू डिवोटीज इन रिस्पेक्ट टू नॉन डिवोटीज, उसी में तो पार्शियल वो तो हेल्प करने के कॉन्टेक्स्ट में डिवोटीज की कभी कभी हेल्प भी कर देते हैं, प्रहलाद महाराज की हेल्प की, हाँ वो पार्शलिटी हो गई, वो कर सकते हो आप, क्योंकि वो हेल्प भगवान भक्तों की हेल्प करना आउट ऑफ द वे जाकर है, नहीं करते ना आउट ऑफ द वे जाकर, वो पार्शलिटी हो गई। मगर वो जो पक्षपात है वो, उससे भगवान को दोष इसलिए नहीं लगता क्योंकि विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि वो दोष नहीं, वो आभूषण है, वो दूषण नहीं है, आभूषण इसलिए क्योंकि वो तो केवल रस की डीलिंग हो रही है, रस विचार में दूषण नहीं होता। मगर यहां पे अब तत्व विचार की बात कर रहे हैं, भक्ति लता बीज बांटने की, वो वहां पे नहीं, कौन वहां पे नहीं होना चाहिए फॉल्ट, हाँ वहां पे फॉल्ट नहीं होना चाहिए। सो ओके, सो अब समझ गए, नहीं समझ गए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऊपर भी इसलिए भगवान को कुछ करना पड़ता है। ओके यहां पे लिख रहे हैं, पूर्वे जैन पृथ्वी भार हराइबे कृष्ण अवतीर्ण होए थे शास्त्र प्रचारित थे। अब कृष्ण स्वामी थोड़े ये बताने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु के आने के दो कारण थे, बहिरंग और अंतरंग, वो इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वो गीता का सहारा ले रहे हैं, इस थ्योरी को भी तो सपोर्ट करना पड़ेगा, बहिरंग अंतरंग कारण। तो वो कह रहे हैं कि भाई कृष्ण भगवान ने भी लीला में उनके दो कारण थे, अंतरंग और बहिरंग कारण। कृष्ण भगवान की लीला में भी दो कारण थे, ऐसा नहीं है कि हमने एक नई थ्योरी निकाल दी कोई आसमान से। तो अब वो कृष्ण भगवान की लीला पे आ गए सीधा और बता रहे हैं कृष्ण भगवान का अवतार भी दो कारणों से हुआ है, एक बहिरंग कारण और एक अंतरंग कारण, और फिर वो चैतन्य महाप्रभु पे आ जाएंगे सीधा दोबारा से। सो स्वयं भगवान ने कर्म नाहे बाहर भार हराइया स्थिति करता विष्णु करें जगत पालन। तो कह रहे हैं कि भाई देखो, भगवान का काम तो इस संसार का भार हटाना नहीं है, ना असुरों को मारना है, वो कौन करते हैं, वो तो विष्णु करते हैं। स्थिति करता कौन है, विष्णु, इस संसार का पालन विष्णु करते हैं। जो संसार का पालन करने के लिए जो असुर लोग हैं, जो इस संसार को बिगाड़ते हैं, बैलेंस बिगाड़ते हैं, वो बैलेंस कौन लाते हैं दोबारा से, विष्णु लाते हैं, वो कृष्ण भगवान नहीं करते। बट किंतु कृष्णेर किंतु कृष्णेर जयी होय अवतार काल भार हरण काल ताते होइला मिशाल। मगर जब कृष्ण का अवतार होने वाला था 5000 साल पहले, तो संसार का भार हटाने का काल भी साथ में आ गया था। इतने सारे असुर आ गए थे, आपको पता है जरासंध आ गया, जरासंध के साथ कितनी बार भगवान ने 18 बार अटैक किया जरासंध ने, 18 बार गंदे लोगों को लाता रहा, कितने सारे, पूरी धरती खराब हो गई होगी। सो वो दोनों टाइम एक साथ आ गए, भार हटाने का टाइम और स्वयं कृष्ण के अवतार लेने का टाइम। तो कृष्ण भार हटाने के लिए नहीं आए, दैट्स द होल पॉइंट। विनाश आया तो परित्राणाय साधु नाम, विनाश आए तो जिसके नाम, दुष्टों को विनाश करने नहीं आए हैं कृष्णा। मगर वो टाइम आ गया था, इसलिए गीता में कहा है कि दुष्टों को विनाश करने के लिए आए हैं, मगर उनका काम नहीं है ये, वो तो काम विष्णु का है। सो इसीलिए तो वो गीता से कोट कर रहे हैं, पूर्ण भगवान अवतारे जई काले आर सब अवतार ताते आशी मिले। इसलिए जब कृष्ण भगवान यहां पर आए तो उनके साथ साथ सारे अवतार उसमें मिलके आ गए, सारे विष्णु भी उनके साथ साथ आ गए, क्योंकि जब पूर्ण अवतार होता है भगवान का तो सारे अवतार उसमें मिल जाते हैं। तो कृष्ण भगवान के अंदर विष्णु भी है, नारायण भी है, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न सबके सब है। नहीं, जब ऐसे भी जब मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर आएगा तो उसके साथ MLA सब आ जाएंगे ना, तो ऐसे ही है, तो सबके सब आ गए। और नारायण, चतुर्व्यूह, मत्स्य अवतार, युग अवतार, मनमंत्र अवतार, लीला अवतार,
ये सारे के सारे कृष्ण भगवान के साथ आ गए। अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। तो जब भी कृष्ण असुरों को मारते थे तो कौन मारता था? विष्णु, कृष्णा नहीं मारते थे। कृष्ण भगवान का इंटरेस्ट नहीं है मारने मुड़ने में, इतने इतने असुरों को, मतलब ये तो बेइज्जती है ना भगवान की असुरों को मारना। ये क्या है ये सब, ये तृणावर्त बकासुर ये सब, मतलब ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है भगवान का। मतलब आप सोचो कि हाथी ने चीटी, हाथी चीटी को मारने आया है, ले कितनी गंदी बेइज्जती होगी। नहीं मतलब दो, मतलब सड़क पर चीटियां चल रही हैं, आपने हाथी हायर कर लिया मारने के लिए चीटियों को, मैडनेस है। सो वो तो भगवान कृष्ण उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। नहीं नहीं मरवाते विष्णु से, बस देखते हैं मजा लेते हैं और क्या। ही डजंट रियली फाइट, ही डजंट फाइट, ही डजंट किल देम, मजा लेते हैं वो। वो छोटे मोटे काम थोड़े ना करने वाले हैं, इज लाइक क्रेजी। सो ये बात है बस। सो वैसे ये जो डिजायर थी लड़ने की, ये विष्णु के माइंड में आई थी। कृष्ण भगवान का उल्लेख नहीं है वहां। विष्णु का मन था लड़ने का, मैंने कहा ठीक है लड़ो भाई। सो अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। तो विष्णु के द्वारा मरवाते हैं। आनुषंगा कर्म ए असुर मारन। तो कृष्ण भगवान ने तो ये असुरों को मारा था, बस एक सेकेंडरी, एक हो गया काम जो जरूरी था, टाइम आ गया था, उन्होंने कर दिया भारी कारण। मगर जे लागी अवतार कही से मूल कारण। मगर कृष्ण भगवान असुरों को मारने के लिए नहीं आए, वो तो टाइम आ गया तो उन्होंने कर दिया, ठीक है विष्णु के द्वारा। मगर मेन कारण कृष्ण भगवान क्यों आए थे, स्वयं कृष्ण आए इस बार हमारे। वैसे तो अलग अलग युगों में स्वयं कृष्ण नहीं आते, कृष्ण का एक अंश आता है, तभी उसमें आ रहे स्वयं भगवान आए, स्वयं कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो क्यों आए अब यहां पे बता रहे हैं। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। रसे का शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई होती होते इच्छा रोत्कम। तो ये तो बहिरंग कारण था कृष्ण का आने का, विनाश आया च दुष्कृतम। मेन कारण जो कृष्ण का आने का है, परित्राण आया साधु नाम, साधुओं का परित्राण करने। तभी तो गीता में पहला क्या है, परित्राण है साधु नाम, फिर है विनाश आया दुष्कृतम। पहला विनाश आया दुष्कृतम है नहीं, तभी है। दो कारण दे रहे हैं, परित्राण है साधु नाम, विनाशाय दुष्कृतम। विनाशाय दुष्कृतम सेकेंडरी कारण है भगवान के आने का, परित्राण है साधु नाम पहला कारण है। जो मेन कारण वो सेकेंडरी है। तो परित्राण है साधु नाम, किससे परित्राण करने आए हैं डिवोटीज का? परित्राण मतलब समझते हो ना, हाँ मतलब उद्धार है, नहीं नहीं असुरों से बचाने नहीं आए, यही तो बात है। असुर क्या कर लेंगे डिवोटीज का, कुछ नहीं। असुरों को तो उनकी भक्ति, भक्तों को तो उनकी असुरों से उनकी भक्ति बचा लेगी, भगवान को भी आने की जरूरत नहीं है। भक्ति इतनी पावरफुल है, भगवान को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती। सो किससे बचाने आए हैं, किससे किससे परित्राण करने आए हैं, किससे उद्धार करने आए हैं? वेल उनको भक्तों को भगवान से जो विरह होता है उससे उद्धार करने आए, वो उनके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम असुर नहीं है, प्रॉब्लम तो विरह है, जो उनको दुख हो रहा है भगवान से दूर होने का, उससे बचाने आए उनको। नाउ व्हाट डू यू से अबाउट दैट? अब ये सब आप कैसे समझोगे बुद्धि से, क्या है, क्या लगा लो बुद्धि, क्यों भरत लगा लो क्या? हाँ पता है मुझे, गीता में लिख रहे हैं। सो ये तो भाई, ये तो अब इसका बुद्धि रुक गई यहाँ पे, अप्राप्य मनसा सा, जहां से बुद्धि लौट के आ जाती है वो बात हो रही है अभी।
इसके लिए तो आपको फिर प्राइमरी रीजन पता लगाने के लिए आपको पहले विरह अनुभव होना चाहिए, तब जाके कुछ होगा कि एग्जैक्टली क्या क्यों आए हैं भगवान। तो भक्तों को विरह होता है तो प्रेम रस निर्यास, प्रेम के रस का निर्यास, तो निर्यास समझते क्या होता है? निर्यास निर्यास होता है मतलब जैसे पेड़ से ये नहीं निकलती गोंद, निकलती रहती है ना, उसको निर्यास कहते हैं निकलना। तो प्रेम रस निर्यास करित आस्वादन, जो प्रेम का रस जो बह रहा है भगवान के भक्तों के हृदय में, उसको आस्वादन करने आए। तो क्या रस बह रहा है? उन जो भक्त हैं उनके हृदय में प्रेम का रस बह रहा था, और उसी के प्रेम के रस के वशीभूत उनको विरह हो रहा था, और उसी को आस्वादन करने आए कृष्ण भगवान। दैट्स वन थिंग। मतलब जो 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 अंतरंग कारण है वो भी दो दो पार्ट में डिवाइडेड है। परित्राणाया साधु नाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए कि साधुओं का उद्धार हो विरह की भावना से, और साथ साथ जो साधुओं के हृदय में जो विरह की भावना है उसको आस्वादन भगवान भी कर लेंगे, दोनों हो जाएगा काम। मतलब कृष्ण भी तो देखें, वो देखना आते थे, कृष्ण भी देखना आते थे कि उनके हृदय में ऐसा क्या प्रेम है कि वो उनसे मुझसे विरह हो रहा है और मुझसे मेरे बिना रह ही नहीं पा रहे। ऐसा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? मतलब ये बात है ना, ये समझने आए क्यों पागल हो रहे हो। समलेश, समलेश की इच्छा है, क्या कहते हैं, मुमुक्षुत्व, मतलब मोक्ष। ब्राह्मणाचार्य लिख रहे हैं कि संसार भगवान से मिलने की प्रगाढ़ इच्छा है। तो ऐसा क्या हो गया? एक तो दोनों चीजें हो जाएंगी परित्राणाय साधु नाम में। तो एक तो कृष्ण भगवान आए आस्वादन करने के लिए, राग मार्ग भक्ति लोके करित प्रचारण, और राग मार्ग देने आए हैं। उस विरह की ताप को संतुष्ट करने का एक ही तरीका है, रागनों का भक्ति, राग मार्ग, और कोई तरीका नहीं है। वो विरह की अग्नि केवल वैदिक भक्ति से संतुष्ट हो नहीं सकती, असंभव है। वो तो राग से संतुष्ट होगी। राग मार्ग भक्ति लोके करित प्रचार है, मतलब यहां पे राग मार्ग सिर्फ रागोना का नहीं है, उससे भी बियॉन्ड है। बट और साथ साथ करित प्रचारण, साथ साथ दूसरों को भी बताएंगे कि इस सिचुएशन तक पहुंचना कैसे है, ये जो विरह हो रहा है इन साधुओं को, यहां तक पहुंचोगे कैसे? पहुंचोगे भी राग मार्ग से। तो राग मार्ग आपको उस विरह भक्ति तक पहुंचा भी देगा, और जिनको ऑलरेडी विरह भक्ति हो रही है उसको शांत भी कर देगा। दोनों ही है, मतलब साधे भी और साधन, दोनों ही है, साधे साधन दोनों ही है। राग मार्ग है नहीं, दोनों ही होते हैं। राग मार्ग पर कभी समलेश होता है, कभी विश्लेष होता है, और पहुंचा भी देता है वहां तक। ऑफकोर्स आई मीन टू से राग मार्ग तक, राग मार्ग में प्रवेश, अब राग मार्ग में प्रवेश करने के लिए वैधी मार्ग चाहिए, वो आप ऐसे नहीं जा सकते। मतलब हाईवे पर जाने के लिए आपको पहले क्या कहते हैं उसको, अमेरिका में ना ये होते हैं हाईवे पे जाने के लिए होते हैं वो एग्जिट, एग्जिट कहते हैं उसको। मतलब रोड, पहले तो छोटी रोड लेनी पड़ेगी ना, फिर धीरे धीरे मर्ज होती है ना हाईवे के साथ, ऐसी होता है ना यमुना एक्सप्रेस में है ना, पहले छोटी रोड होती है फिर उसको, वहां पे अमेरिका में पूरा अमेरिका ऐसे ही है, एग्जिट्स होते हैं, छोटी रोड होती है, फिर धीरे 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 जाके मर्ज हो जाती है, फिर आपको निकलना है तो धीरे 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 अलग हो जाती है, तो वो हाईवे चलता रहता है अपना, तो उसको कहते हैं एग्जिट्स, एग्जिट, एग्जिट 75, एग्जिट 43 जो भी है। तो वह एग्जिट लेना पड़ेगा आपको राग मार्ग पर जाने के लिए। राग मार्ग हाईवे है ना, एकदम से घुसोगे तो एक्सीडेंट वहां तो हाई स्पीड पर चल रही होती है। अमेरिका में करना पड़ता है ऐसा एग्जिट का सिस्टम, क्योंकि वहां पे बहुत हाई स्पीड पे चलते हैं, वहां पे किलोमीटर पर आर तो नहीं होता, वहां पे माइल्स पर आर होता है। तो गाड़ी चल रही है वहां पे 120 माइल पर आर, मतलब कितना किलोमीटर हो गया, 240 किलोमीटर पर आवर। यू कैन इमेजिन क्या स्पीड होगी वहां पर, 220-230 किलोमीटर पर आवर पे चलती है। हैवी कार्स भी होती हैं, आप
आप खड़े होकर देखोगे तो ज्यों 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 निकल रही होती है वहां, तो आप थोड़ा सा भी करोगे इतना बुरा एक्सीडेंट होगा। सो इसलिए एग्जिट्स होते हैं वो, तो ऐसे ही है, राग मार्ग में इमीडिएटली घुसोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए वैधी मार्ग है। वैधी मार्ग धीरे 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 आपको हाईवे पे मिला देगा और राग मार्ग पे ले जाएगा, इफ यू रियली डू इट प्रॉपरली और सिंसियरली। सो ये प्रचार करने आए हैं राग मार्ग का। आप एंटर भी कर जाओगे हाईवे पे, और फिर जब हाईवे पे चलोगे तो मजा भी आएगा, बस उसी स्पीड से राग मार्ग पे संतुष्ट भी हो जाओगे। तो दोनों ही चीजें हैं, इसलिए राग मार्ग का प्रचार करने आए हैं। इसलिए कह रहे हैं रसिक शेखर कृष्णा परम करुण ए दुई हेतु होते इच्छा रोत्कम। तो भगवान कृष्ण के हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हुई 5000 साल पहले। रसिक शेखर है, रग मैं रस का आस्वादन करूं, मेरे जो भक्त हैं आध्यात्मिक जगत में उनके रस का तो आस्वादन मैं करता ही रहता हूं, जो भौतिक जगत में जो मेरे भक्त हैं वो क्या रस अनुभव कर रहे हैं, वो क्या आस्वादन कर रहे हैं, वो मैं करना चाहता हूं। वो एक डिफरेंट है, नहीं उनको करना चाहता हूं मैं। और वैसे भी जो भौतिक जगत में जो रस और उज्ज्वल हो जाता है, ये भी है, क्योंकि वो एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे कोयले की खान में हीरा और चमकता है नहीं, इसलिए भौतिक जगत में जो भक्तों का रस और उज्ज्वल हो जाता है, वो ढकता नहीं है माया से, क्योंकि माया तो ढक ही नहीं सकती रस को, असंभव है। अगर आपको रस माया से ढक गया तो फिर तो अपराधी हो गया, ये तो फिलोसफिकली गलत है, क्योंकि माया भक्ति को रोक ही नहीं सकती और रस को ढक नहीं सकती, वो इम्पॉसिबल है। फिर वरना आप कहोगे कि माया माया ज्यादा स्ट्रांग है रस से, ये तो गलत है, माया प्रेम से ज्यादा स्ट्रांग हो ही नहीं सकती, इसलिए और उज्ज्वल हो जाता है। सो वो उसको आस्वादन करने की इच्छा हुई उनकी। और कृष्ण परम करुण, और क्योंकि वो परम करुण है इसलिए उन्होंने कहा मैं बांट भी दूंगा, जो उनकी भक्ति है मैं दूसरों को बांटूंगा, जो वो अनुभव कर रहे हैं अपने हृदय में वो कितना अच्छा है उसको मैं बांट दूंगा। कैसे बांटेंगे? राग मार्ग का प्रचार करके कि भाई ये मार्ग है, वहां से वो प्राप्त हो जाएगा वो रस। और राग मार्ग में कैसे जाएंगे? वो वैधिक मार्ग उन्होंने बता दिया, चलो भाई ठीक है दैट्स ओके, कर लो आप ऐसे। समझ गए नहीं समझ गए? हाँ ये कृष्णा है, तो कृष्णा है, अभी अभी कृष्णा की बात हो रही है, चैतन्य महाप्रभु की बात नहीं, अब वही कृष्ण ही कर रहे हैं राग मार्ग। तो चैतन्य महाप्रभु ने राग मार्ग बताया है अपने टीचिंग्स में, ऐसी बात नहीं है, मतलब ये जो है मन मना भव भक्त तो ये राग मार्ग ही तो है, मध्याजी माम नमस्कुरु ये वैधि मार्ग है, दोनों बताए हैं। स्पेशली मन मना भक्त तो मध्याजी माम नमस्कुरु, या तो इसको राग मार्ग कह लो 12:8 को, नेक्स्ट 12:9 क्या है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषी मई स्थिरम, अभ्यास योगे न कौंत्य माम इच्छा तुम धनंजय, ये अभ्यास योग है ना, ये वैधि मार्ग है। तो भगवान ने बताया और उनकी इच्छा भी थी इसको प्रचार करने की, उन्होंने प्रचार किया भी, बट प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने बांटा नहीं इसको सबको, उन्होंने प्रचार किया, प्रचार लिखा है यहां पर, हमें प्रचार ही लिखा है, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन, वही रियली डिस्ट्रीब्यूट टू एवरीबडी। और फिर मगर उन्होंने कंडीशन भी रखी, सर्वधान परितज्य माम एकाम शरणम ब्रज, मैं उन्होंने बताया और उन्होंने कहा मैं तुम्हें दूंगा ये सब मगर तुम मेरी शरण लो। महाप्रभु ने तो बांट दिया बस, बिना योग्यता योग्यता विचार किए, उनका स्पेशल है अवतार। तो कृष्ण भगवान के अवतार में भी ऐसा था, मगर कृष्ण के अवतार में यही तो उनकी इच्छा पूर्ण रह गई थी एक, कि वो बांट नहीं पाए सबको, क्योंकि वो तो योग्यता देखेंगे ना उनके केस में, तो बांट ही नहीं पाए वो, ये एक अनफुलफिल्ड डिजायर थी जो महाप्रभु के रूप में उन्होंने ऐसे तो भड़ास, अपनी भड़ास निकाली वो महाप्रभु के रूप में कि मैं बांट ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, तो महाप्रभु का रूप लिया, ठीक है अब मैं बांट दूंगा बस। सो दो इच्छाएं आई उनमें, तो उन्होंने भौतिक जगत के डिवोटी का रस और उज्ज्वल होता है, जरूरी नहीं है साधक होते हैं, साधक होके सिद्ध भी होते हैं इस संसार में, नहीं
साधक भी होते हैं, हम सिर्फ धरती की बात थोड़े ना कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। महार्जन तपा सत्य अतल वितल सुतल, भगवान सारे लोकों में गए हैं। कृष्ण भगवान जब आए थे अवतार लेकर, सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं मिल पाए, किससे, सबसे मिले हैं। स्वर्ग भी गए, अदिति कश्यप, नीचे के लोक में वरुण लोक, सुतल तलातल सब जगह गए हैं, है? नन नारायण ऋषि से नहीं मिले थे बस, बाकी तो भागवत कह रही है सब जगह मिले। सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर। हाँ, साधक भी तो सिद्ध होता है यहां पर प्रैक्टिस करके। जो साधना सिद्ध हो गया उसका रस और उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड माया है। इसलिए क्योंकि पता क्या है, क्योंकि जिस प्रेम में रिस्क ज्यादा होता है वो प्रेम ज्यादा उज्जवल होता है। आ जाएगा इसके अंदर अभी, बाद में आएगा। तो इस संसार में रिस्क है बहुत बड़ा, प्रेम में अगर रिस्क भी है नहीं, माया भी है ना, और कितनी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं ना। जब ज्यादा ऑब्स्टिकल्स होंगी तो और उज्जवल हो जाएगा। उस ऑब्स्टिकल्स में होते हुए भी वो प्रेम को धारण करके रख रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में तो ऐसा नहीं है, तो उस सेंस में उज्जवल है, इसलिए भगवान को ज्यादा मजा आता है। वहां तो चलो प्रेम कर रहे हैं सब है, कोई रुकावट ही नहीं है, मजा चैलेंजेस नहीं है ना, मजा कहां आएगा। यहां तो चैलेंजेस हैं, प्रहलाद महाराज पे हाथी फेंक रहे हैं, वो पत्थर फेंक रहे हैं शेर, तब भी वो प्रेम को, एक अलग टाइप की मूवी है ना वो, मतलब इतना मजा आएगा, मतलब क्या आप समझ रहे हो, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मजा। उस सेंस में कहते हैं उज्जवल है वो ज्यादा, समझे नहीं समझे, वो बाद में आ जाएगा। वो उसका श्लोक भी भूल गया मैं, रिस्क ज्यादा है, वो श्लोक ही है उसका संस्कृत। क्या कह रहे हो, लाउड बोलो। भक्ति सिंधु में क्वालिटीज हैं, हाँ, तो वो उनको फिर हम ऐसे समझेंगे वो डिवोटीज के रिस्पेक्ट में भगवान की, जैसे मॉडेस्टी और सब, क्योंकि वो पार्शियल नहीं हो सकते ना, मतलब इन जनरल कुछ वो डिवोटीज के रिस्पेक्टिव में सारी क्वालिटीज। हाँ, मोस्टली तो रस विचार सही है, वो तत्व विचार से नहीं है मोस्टली, तो पार्शियल हो जाएगा मोस्टली। हाँ, सब के लिए नहीं नहीं नहीं, सिर्फ डिवोटीज के लिए, तभी वो बुक डिवोटीज के लिए लिखी रूपा गोस्वामी ने। रूपा गोस्वामी पहले ही कह रहे हैं मैं भक्ति सिंधु डिवोटीज के लिए लिख रहा हूं, और ये बचा के रखो नॉन डिवोटी से, नॉन डिवोटीज पढ़ भी ना ले, भागवत है मैं सबके लिए। दैट्स द होल पॉइंट, बाहर से वो भी एक्सटर्नली। तभी सुखदेव गोस्वामी ने डिफरेंट स्टाइल में बोली है भागवत, रूपा गोस्वामी ने डिफरेंट स्टाइल में भागवत को नेक्टर ऑफ डिवोशन में रखा है, डिफरेंट स्टाइल से एनालाइज किया भागवत को नेक्टर ऑफ डिवोशन में। सो डिफरेंस वहां पर ये है। ओके, ऐश्वर्य ज्ञाने थे सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। तो भगवान ने सोचा एक्चुअली अपने माइंड में, कृष्ण भगवान ने, कि भाई सब लोग मेरी भक्ति ऐश्वर्य से करते हैं, सब लोग मेरी भक्ति करते हैं मुझे भगवान मान के, स्तुति करते रहते हैं, मगर मुझे मजा नहीं आता। एक्चुअली ये जो थी ना, मैं बताना भूल गया, ये जो एक सूफी सेंट थी रैबिया, तो रैबिया मतलब सेम ही था, तो रैबिया जा रही थी मक्का मदीना अपना दर्शन करने के लिए, तो जा रही थी तो प्रे करते हुए, दंडवत लगाते, ऐसे दंडवत नहीं करते, दंडवत करके उठ के फिर प्रे करते, फिर दंडवत, फिर उठती थी, फिर प्रे करती थी, चलते 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 मतलब कई महीने लग जाएंगे मक्का मदीना, बहुत डिस्टेंस है। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा नहीं करते, दंडवती परिक्रमा, ऐसे वहां पे भी जाते हैं, जैसे करके आरती प्रे करते दंडवत, तो फिर जब जैसे ही मक्के के पास पहुंची, मक्के मतलब सॉरी मक्का, ऐसे ही पहुंची वहां पे, तो अल्लाह की आवाज आई, तो अल्लाह ने कहा रबिया तुम कर क्या रही हो, तो उसने कहा मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं और दंडवत कर रही हूं। तो अल्लाह ने कहा कि मेरा जो पिटारा पहले ही बहुत भरा हुआ है प्रार्थनाओं से, अब कोई जगह ही नहीं है वहां और दंडवत तो कितने लगा लोग के चले गए, रजिस्टर के रजिस्टर भर गए,
तो मुझे ये नहीं चाहिए, तुमसे तो मैं कुछ और एक्सपेक्ट करता हूं, तुम तो एक स्पेशल डिवोटी हो ना मेरी, और सब लोग तुम्हें जानते हैं स्पेशल डिवोटी हो। तो रवि ने कहा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अल्लाह ने कहा मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं आंसू तुम्हारे, ये प्रार्थना है और दंडवत नहीं, आंसू मैं चाहता हूं तुमसे। मतलब इट वॉज द सेम थिंग है विरह, विरह की भावना चाहते हैं वो। एक्चुअली सारे रिलीजन्स में कुछ ना कुछ झलक तो है ही गौड़िया वैष्णविज्म की, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, कुछ ना कुछ है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके बिना धर्म की पूर्ति हो ही नहीं सकती। कोई भी धर्म अपने आप को धर्म नहीं कह सकता अगर वहां पे भगवान का विरह नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि धर्म मतलब जो आत्मा का धारण करता है, आत्मा को तो धारण भगवान का प्रेम और प्रेम की विरह भावना ही करती है, और कोई तरीका ही नहीं है। समझे नहीं समझे क्या हो रहा है इसको यार, इसको पीछे बैठ जाओ अनामिका, ऐसा है जाने की जरूरत नहीं है, पीछे चेयर पे बैठ सकती हो। सो दैट इज धर्म। तो क्रिश्चियनिटी में भी ये है, इस्लाम में भी आ गया, इस्लामिक मिस्टिसिज्म में, सूफिज्म में। एक्चुअली प्रभुपाद इसके चैप्टर में लिख रहे हैं पर्पट में, गीता इज अ मिस्टिक बुक, द मिस्टिसिज्म ऑफ गीता प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं। सो गीता पढ़ोगे ना तो वो मिस्टिसिज्म है, वो मिस्टिक, मिस्टिक्स गौड़िया वैष्णव हमारे मिस्टिक्स ही हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट, जो प्रेम का कॉन्सेप्ट है ये जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो सनातन धर्मी और कर्मकांडी वो प्रेम की बात नहीं कर सकते, ना ही कुरान के जो स्कॉलर्स ऑर्थोडॉक्स होते हैं प्रेम की बात करते हैं, तो मिस्टिक्स करते हैं। मिस्टिक्स को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं भगवान, हिंदी में कुछ है ही नहीं। मिस्टिक्स पता है ना क्या होता है, छोड़ो चलो, नहीं नहीं एक अलग सा है, चलो छोड़ दो अभी, ठीक है। सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि भी तो अल्लाह ने सॉरी रबिया को ये बोला कि मुझे तुम्हारे आंसू चाहिए, विरह चाहिए। सो हम प्रार्थना करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम दंडवत भी करते हैं सब, वो तो वैदिक भक्ति का पार्ट है नहीं, उससे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, मगर भगवान को चाहिए नहीं है ये, वो चाहते हैं कि मुझे तो कुछ और चाहिए। ठीक है मैं खुश हूं, सब कुछ अच्छा है, तुम्हारे बेनिफिट के लिए है सब, बट मुझे मजा नहीं आता। विष्णु को फिर भी मजा आएगा इसमें, कृष्ण को मजा नहीं आता इसमें, उनको तो हमारे आंसू और हमारा विरह चाहिए। अब वो कहां से आए, उसको श्री संप्रदाय में बोलते हैं विश्लेष। उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, सेम विश्लेष, भगवान से दूर होके। इसलिए तो श्री संप्रदाय में सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी को तो उसको तो ये जो अंडाल है उसको माना जाता है, अंडाल अंडाल गोदा देवी, क्योंकि अंडाल ही एक कॉन्सेप्ट लेके आई थी विरह भावना का, और सारे श्री वैष्णव कहते हैं कि अंडाल की भक्ति टॉप मोस्ट भक्ति है अल्टीमेटली। तो भगवान को वो चाहिए, अगर भगवान को कुछ देना है तो भैया प्रसाद तो दे दो, ठीक है बहुत अच्छा है, वो तो खुश हुए, ठीक है भगवान खुश हैं, प्रसाद दे सकते हो, प्रार्थनाएं दे सकते हो, फल फूल दे सकते हो, प्रचार भी दे सकते हो, बट एग्जैक्टली अंतरंग भावना तो भगवान को विरह भावना चाहिए आपसे। वो जिस दिन दोगे उस दिन संतुष्ट होंगे, आंसू, एक जेनुइन आंसू। आंसू इसलिए नहीं ये सोच के कि मैं पापी हूं, वो वाले आंसू नहीं चाहिए वो तो आपको हो सकता है, आंसू ये सोच के कि भगवान से इतना दूर हूं मैं, वो भगवान को संतुष्ट करेगा। समझे नहीं समझे। तो आप संतुष्ट करना चाहते हो ना भगवान को, तो कैसे करोगे? आपको क्या लग रहा था, आप क्या प्रसाद बना बना के संतुष्ट कर दोगे भगवान को? वो तो एक पार्ट है, ऐसी बात नहीं है भगवान प्रार्थना से संतुष्ट नहीं होते, मगर एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे, पूर्ण संतुष्ट नहीं है। सो हम तो पूर्ण, अगर आप असली सेवक हो तो स्वामी को पूर्ण संतुष्ट करना चाहते हो ना, इसीलिए भक्ति संता भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि विरह का प्रेम जो है वहां तक पहुंचना नेसेसिटी है, ऑप्शन नहीं है। नेसेसिटी कैसे कहेंगे? नहीं जरूरी नहीं, ये वर्ड नहीं है, मैं आवश्यकता है, आवश्यकता बेटर है।
विरह के प्रेम तक पहुंचना आवश्यकता है वो, क्योंकि तभी आप सेवक कहलाओगे और तभी हमारा संबंध कृष्ण से पूर्ण होगा, तभी वो पूर्ण संतुष्ट होंगे। अदरवाइज आपने भक्ति तो की मगर अपने स्वामी को पूर्ण संतुष्ट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने सेवा अच्छी तरह की नहीं। सो दैट्स द होल पॉइंट यार, आप देख रहे हो। सो वहां तक पहुंचना है, जिस तभी तो कह रहे हैं कि लक्ष्य तक, लक्ष्य पे तब पहुंचोगे जब लक्ष्य तक पहुंचने की जरूरत लगेगी, वरना पहुंचोगे क्या? खैर उससे पहले पता भी होना चाहिए वो तो पता ही नहीं होगा तो क्या पहुंचोगे। आपको क्या लग रहा था कि भगवान प्रसाद ऑफर करके प्रचार करके पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे? पूर्ण संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है, हमने रथ यात्रा निकाली, हम लोगों ने सेंटर खोले, हम लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, हम लोग किताब लिख रहे हैं, बट हमें पता है कि भगवान इससे भी पूर्ण संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट तो है, पूर्ण संतुष्ट नहीं है। पूर्ण संतुष्ट तो तब होंगे जब हमारे हृदय में वो भावना आएगी विरह की और वो हम अर्पण करेंगे। उस दिन कृष्णा कहेंगे ठीक है, ओके, कंप्लीट हो गया तुम्हारा मिशन। मतलब आप पूरी दुनिया को भी डिवोटी बना दोगे तब भी आपका मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आपने खुद में विरह भावना नहीं लाए, कंप्लीट नहीं हुआ, वो इनकंप्लीट है। क्योंकि पूरी दुनिया की बना दो तो भी क्या है, अनंत जीव आत्माएं हैं और भर जाएंगी, क्या करोगे आप? उसको निकाल दो और भर जाएंगी वो तो एंडलेस है, वो कभी खत्म थोड़े ना होना है। सो ऑफकोर्स आई मीन टू से, आप 10 लोगों को प्रीचिंग कर रहे हो, पूरी दुनिया को प्रीचिंग कर रहे हो, भगवान और संतुष्ट है, वो ऐसी बात नहीं है, मगर हम यहाँ पे पूर्ण संतुष्टि की बात कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। और हम ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे स्वामी क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। ऑफकोर्स भगवान ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं और वो क्लियर है महाप्रभु की इच्छा, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मगर एक पार्ट है वो इच्छा का। मेन एक्सपेक्टेशन तो ये है, सो वी हैव टू रीच हियर, कि कृष्णा आई इसलिए थे। और वैसे भी है कि अगर आपके पास जो नहीं है वो आप दूसरों को दे भी नहीं पाओगे, वो भी बात है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, वेल हम प्रेम प्रचार कर रहे हैं, और प्रेम प्रचार कैसे होगा, जाके पास प्रेम ही नहीं है। सो वो बात अलग है कि हम लोग फिर भी प्रीचिंग करते हैं बिना प्रेम के, क्यों? क्योंकि हम लोगों को रास्ता दिखा देते हैं कि देखो इस पे चलोगे तो पहुंच जाओगे, तो ठीक है आप चल लीजिए अगर मुझसे नहीं चला जा रहा, इतना तो कर सकते हैं हम। मगर अगर आप पीछे ही रह जाओ तो भगवान संतुष्ट होंगे, सबको पहुंचा दिया आप पड़े हो, हम कहेंगे भाई मतलब ठीक है मैं खुश हूं माला पहनो तुम, मगर ये तुमने किया क्या हुआ क्या, ये भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे हुआ क्या सब आ गए और बताने वाला ही रह गया, अजीब सा नहीं लगेगा? मतलब बटाला में सब गोलोक चले गए, केशान वो रह गए, लोग कहेंगे हुआ क्या यार ये पॉइंट क्या है इसका? सो दैट्स द होल पॉइंट देयर, भगवान चाहते क्या है वो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली। तो प्रचार भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, बट ये चीज चाहते हैं मेन हमसे। और यहां तक पहुंचने के लिए तो पूर्ण हृदय शुद्ध होना चाहिए, और शुद्ध हृदय कैसे होगा? वैदिक भक्ति फॉलो करने से। मतलब एक एक्चुअली हृदय शुद्ध प्रोसेस फॉलो करने से नहीं होता, सिर्फ हृदय शुद्ध केवल साधना फॉलो करने से नहीं होता, हृदय शुद्ध होता है जब आप साधना इच्छा के साथ करो, तब वो काम करती है चीज। अदरवाइज वो साधना सभी कर रहे हैं, कंप्लीट तो सभी कर लेते हैं राउंड्स अपने, मगर क्यों कोई एक डिवोटी ज्यादा एडवांस कर रहा है, क्यों कम कर रहा है? क्योंकि इच्छा है, भगवान को ये अपना लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा है। हमें समझ आ गया ना कि भगवान संतुष्ट होंगे विरह की भावना अर्पण करने से, हमें पहुंचना है भैया यहां पर, क्योंकि हम चाहते हैं हम भगवान को संतुष्ट करें। तो कैसे पहुंचेंगे? जब वो इच्छा आएगी तब साधना काम करेगी पूरी, वरना साधना काम नहीं करेगी, वरना नींद आएगी आपको चैंटिंग के वक्त, और कुछ नहीं होगा, नींद आएगी और कुछ नहीं होगा, या मन नहीं लगेगा, भागता रहेगा, क्योंकि इच्छा नहीं है यहां तक पहुंचने की।
सो दैट्स द होल पॉइंट. इच्छा क्यों नहीं यहां तक पहुंचने की? वेल, क्योंकि शायद आपको पता ही नहीं कि आपके स्वामी की इच्छाएं क्या है. या आपको पता भी है कृष्ण भगवान की इच्छाएं क्या है, तो आप अच्छे सेवक नहीं हो. बस इतना है. ऐसा तो नहीं है कि हम प्रीचिंग अपनी डिजायर पूरी करने के लिए कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं है हम अपनी भड़ास निकालने के लिए कर रहे हैं प्रचार. ऐसा तो नहीं हम रजोगुण में प्रचार कर रहे हैं. मैं मीटिंग में था ना महाराज के साथ हम लोग, तो महाराज तो ऐसे वर्णाश्रम की बात हो रही थी प्रोजेक्ट्स की हम सबकी. तो मैंने महाराज से कहा कि महाराज अगर वर्णाश्रम में सब चलेंगे तो प्रचार कौन करेगा, वहां बैठ जाएंगे सब. तो महाराज ने एकदम से कहा कि तुम पैशन में हो. ये रजोगुण है पूरा. तो ऑफकोर्स हमें पता है कि हम लोग प्रीचिंग, महाराज भी प्रीचिंग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं. तो मुझे तो समझ आ रहा था महाराज क्या कह रहे हैं. अगर महाराज ने सबके सामने बोला तुम तो रजोगुण में पूरे, प्रचार 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 प्रचार, एक जगह बैठना भी बहुत जरूरी है. वो सतोगुण का लक्षण होता है. सो खैर, मैंने तो अपने माइंड में बैलेंस कर लिया. आंसर तो एक तरफ का था, वो तो मुझे पता है, वो तो महाराज को भी पता है, मगर वो मुझे भी पता है कि महाराज उस टाइम क्यों बोल रहे हैं. तो वो तो मैंने अपने माइंड में बैलेंस कर लिया, महाराज को भी बैलेंस पता है. बट पॉइंट मैं समझ गया. पॉइंट महाराज ये कह रहे थे कि भाई कि काफी लोग तो प्रीचिंग रजोगुण में ही करते हैं. मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, वो अपनी भी अपना भी होता है उसमें. सो और हमें कैसे पता अपने? क्योंकि अगर केवल भगवान के लिए चल रहा होता तो आप में ये यहां तक पहुंचने की प्रगाढ़ इच्छा आ जाएगी, मुझे चाहिए विरह भावना. क्योंकि भगवान को मेन ये चाहिए, तो आप पागल हो जाओगे यहां तक पहुंचने के लिए. ये हो जाएगा, सिर्फ प्रचार के लिए पागल नहीं होगे. दैट्स द होल पॉइंट. उसको कहते हैं मिस्टिसिज्म. वही तो कहते हैं द स्टेयर केस. तभी तो उसको बोला था वो सेंट कैथरीन थी, क्या नाम था, एक एंजल ने आके बोला कि चर्च की सीढ़ी, तुम्हारे चर्च की सीढ़ी मैं बनाऊंगा और तुम अपनी सीढ़ी खुद बनाओ अपने हृदय में. समझे? वो चर्च की सीढ़ी नहीं बनी थी, इनकम्प्लीट थी. तो बड़ी परेशान हो रही थी, सीढ़ी कैसे बनेगी, मंदिर मंदिर बना रही थी ना, कंप्लीट नहीं हुआ मंदिर, ऐसे कैसे होगा, क्या होगा. तो वो भगवान ने एंजल भेजा, एंजल ने कहा ये चर्च की सीढ़ी हम बना देंगे, तुम अपनी सीढ़ी बनाओ, क्योंकि इस पे चढ़, अगर ये बन जाएगी वो नहीं बनी तो तुम ऊपर चढ़ के भी नहीं चढ़ पाएगी. समझे नहीं समझे? वो रिमाइंड करने आया था. सो कभी कभी ऐसा होता है, हम प्रचार में इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं पागलों की तरह कि ये मेन काम ही भूल जाते हैं. क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमें भगवान से कोई मतलब ही नहीं है अल्टीमेटली. मतलब पूरा मतलब नहीं है, एक अच्छे सेवक नहीं है. कंक्लूजन तो यही है, वरना तो और क्या कंक्लूजन है नहीं. एक अच्छा सेवक तो दोनों देना चाहेगा, प्रचार भी और विरह भावना भी, दोनों. तो फिर तब असली साधना होगी, तब तब मजा आएगा. साधना सही होती है. आप साधना फिर भी, आप साधना तो उतनी करोगे मगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. जरूरी नहीं है बढ़ जाए क्वांटिटी, इंटेंसिटी एक अलग होती है. इंटेंसिटी कैसे कहेंगे समझ नहीं आ रहा मुझे. तीव्रता बढ़ जाएगी. फिर जब आप नाम ले रहे होगे तो आपका हृदय ढूंढेगा नाम के अंदर भगवान को, ढूंढेगा कि कहां है कृष्णा. चैंटिंग तो उतनी कर रहे होगे 16 माला, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. वरना तो आप अगर बिना इस इच्छा के आप 66 माला कर लो, कुछ नहीं है. वो तो ये बात है ना, मतलब जब प्यास लगती है तभी तो स्वादिष्ट लगता है जूस. प्यास नहीं लगेगी आप 10 ग्लास पी लो, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा. बस ये बात है और कुछ नहीं है. सो वो कैसे आएगी? वो ये चैप्टर समझ के आएगी. तभी तो कृष्णा कृष्ण स्वामी ने चैतन्यता के शुरू के चैप्टर में डाल दिया, ये शुरू करते ही डाल दिया. क्योंकि सीसी में महाप्रभु बताएंगे साधना साध्य सब कुछ, मगर वो पूरी तरह काम ही नहीं करेगा अगर इच्छा नहीं होगी. मतलब अगर गोल नहीं पता होगा तो इच्छा भी नहीं होगी. थोड़ी तो इच्छा आएगी ना कि भाई हम यहां तक पहुंचना कैसे पहुंचे, अब बताएंगे हम तुम्हें. सो दैट्स द वन थिंग भगवान के मन में आया,
कि सब मेरी मेरे को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दंडवत करते हैं, मगर मुझे मजा नहीं आ रहा। मुझे मजा आ रहा है ऐश्वर्य शिथिल प्रेम में, राग मार्ग में, विरह भावना से, उससे मजा आता है। वो कहें, उनके माइंड में थॉट आया ना, तो उसी को तो पूरा करने आए थे फिर यहां, उसी को तो पूरा करने आया, देखने के लिए उन डिवोटीज को जिनके हृदय में विरह भावना राग है, उनको उनको देखने आए हैं। और भगवान ने फिर उन भक्तों को तो देखने भी आए और दूसरों को बताने भी आए कि यहां तक पहुंचो, ये सही है, मैं इससे खुश होता हूं सबसे ज्यादा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और ऐसे लोगों को फिर लेके भी चले गए अपने साथ। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, बाकी सारे डिवोटीज तो मुझे ईश्वर मानते हैं, अपने को हीन मानते हैं। तार प्रेमे वश आमी ना होले आधीन, उनके प्रेम के वश मैं नहीं होता, ना उनके अधीन होता हूं मैं। आमा के तो जे जे भक्त भजे जई भावे, तारे से ही से भावे भजी एई मोर स्वभावे। वही जैसे जैसे मुझे भक्त भजता है वैसे वैसे मैं उसको भजता हूं, सेम बात है। यह तमाम प्रबत्ते ताम सके बचामे, हम ये श्लोक कोट कर रहे हैं। नाउ दैट्स वन थिंग, उसके बाद मैं आगे और पढ़ूंगा, बट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आई एम डन हियर। कंप्लीट कर देता हूं। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, एई भावे जई मोरे करे शुद्ध भक्ति। समझ रहे हो ना बंगाली, अपना के बड़ माने हमारे समहीन, अपने आप को बड़ मानता है डिवोटी, बड़ा मानता है और मुझे छोटा मानता है। ऐसे वात्सल्य रस में यशोदा माँ अपने को बड़ा मानती है। सही भावे होई आमी तहार अधीन, इस भाव से मैं उसके अधीन होता हूं। तो ऑफकोर्स हम अभी नहीं कर सकते सब, क्योंकि राग मार्ग में जाने के लिए वैधि मार्ग चाहिए, वो बात है, मगर टारगेट यहां है या टारगेट कुछ है ही नहीं, ऐसे भी है। एक्चुअली टारगेट कुछ है ही नहीं हमारा, अल्टीमेटली आपको समझ आएगा टारगेट है ही नहीं। जिस दिन वो समझ आ गया ना उस दिन परफेक्ट हो गया आप, है ही नहीं टारगेट। क्योंकि सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहना है, तो बीच में ये सब हो जाएगा। सो टारगेट है ही नहीं, हमें कहीं पहुंचना ही नहीं है, हाईवे पे ही चलते रहना है बस। अल्टीमेटली हाँ बस, तो जिस दिन वो समझ आ गया उस दिन आप परफेक्ट हो गए। वो सारे योग में सब बुद्धिस्ट भी ये कहते हैं और योग पतंजलि योग भी कह रहा है, क्रिश्चियन भी इस्लाम भी सब यही कह रहे हैं कि अल्टीमेट परफेक्शन किसी भी साधना में है जब कोई साध्य होता ही नहीं, अल्टीमेट परफेक्शन है वो। फिर आप चलते रहते हो स्वाभाविक रूप से, आप चल ही रहे हो बस, चल ही रहे हो बस, वो ही भक्ति है। सेवा कर रहे हैं प्रेम पाने के लिए, प्रेम पा रहे हैं सेवा करने के लिए, सेवा के लिए तो सब होता जा रहा है, चलते जा रहे हो बस वही है। सो दैट्स, उसको बोलते हैं धर्म में एक समाधि, योग में एक दो तरह की समाधि, एक समाधि में तो टारगेट है समाधि पहुंचना, धर्म में एक समाधि है कि समाधि भी टारगेट नहीं है, आपने उसकी भी इच्छा छोड़ दी तो आप पहुंच गए उसके ऊपर। ऐसी बुद्धिज्म में ऐसी हमारे यहां तो चलो, जब प्रेम पे पहुंच जाओगे तो मैं बता रहा था ना, जब प्रेम पे पहुंच जाओगे तो फिर आपको वो प्रेम की इच्छा भी छूट जाएगी, फिर तो आप कहोगे भगवान आप प्रेम दे या नहीं दे हम आपकी सेवा करते रहे, उस वक्त यह आ जाएगा, उस वक्त फिर महाभाव आ गया आपका। ये सब ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या हो रहा है भाई? कुछ हो रहा है, हेलो। हो यहां पर या नहीं? पता नहीं, ये चैप्टर तभी तो मुश्किल है ना चैप्टर, ये इतने आसान चैप्टर्स नहीं है ये, मतलब ये तो चलो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रीजन है। कृष्णा कृष्ण को हमें ये कह ही रहे हैं कि स्वरूप दामोदर समझ सकते हैं, बाकी तो कोई समझ ही नहीं सकता है, तो हमें तो बस एक झलक दे रहे हैं कि आपको एटलीस्ट ये पता लग जाए कुछ है, इतना समझ लो है नहीं, कुछ है भाई हाई फाई चीज जो
हमें कुछ पता नहीं लग रहा पहुंचना है वहां, सिर्फ प्रसाद खाने में संतुष्ट मत हो जाओ या केवल प्रचार करने में संतुष्ट मत हो, कुछ है जो हमें पाना है। वो सब तो चलो करना, तो वो तो हमारी ड्यूटी है, वो तो कम वो तो बंद कर ही नहीं सकते। प्रसाद देना, प्रीचिंग करना, भगवान के दर्शन करना, वो तो एक ड्यूटी है, वो तो करना ही है, वो तो चलो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बट पहुंचना कहाँ है यहाँ। सो दैट्स द पॉइंट। अब मैं आगे पढ़ूंगा कल, क्या कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो बोलो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड बाद। ओके हरे कृष्णा, क्या कह रहे हो? आपको कैसे पता नहीं हुई थी? आपको कैसे पता नहीं हुई थी ये मुझे पहले बता दो। मैं पूछ रहा हूँ कैसे पता, कैसे पता बताओ। तो आपने पढ़े ही नहीं भागवतम कि भाव जब वो समाधि में चले गए थे तो इच्छा छूट गई थी, फिर एंड तक छूट गई थी वो तो। और फिर उन्होंने स्तुति की थी, भगवान ने बोला तो तुम्हें चाहिए, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, है नहीं। शुरुआत वहां से थी मगर सब खत्म हो गया था फिर भैया। अगर भगवान से विरह की इच्छा नहीं होगी तो आदमी सांस भी नहीं रोक सकता, समझे? सांस कैसे रोकोगे आप? आर्टिफिशियल ही रोक के बैठ जाओगे क्या? वो पहुंच गए थे वहां तक, तभी तो ये सब हो गया, वरना हो ही नहीं सकता था। सो समझे नहीं समझे ये? ओके बात तो सही है। सांस थोड़े ना रोकते हैं वो, तो रोना थोड़े ना कोई सिम्टम है। विरह विरह से रोना आता है, मगर जो हर आदमी रोता है उसमें विरह नहीं होता। विरह का विरह आप पता नहीं लग सकते सिर्फ रोने से। रोना कोई लक्षण नहीं है, रोना तो सेकेंडरी लक्षण है, ये सात्विक विकार, मेन नहीं है ये। मेन तो रूप गोस्वामी डिस्कस कर रहे हैं। विरह का एक्सटर्नल लक्षण क्या है? अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंधा, समुत्कंठ, मान गाने सदा रुचि, ये है वैराग्य है। भगवान से विरह हो रहा है तो संसार से थोड़ा ना विरह होगा, तो संसार से भी विरह हो रहा है, वो भी प्राप्त करना चाहता है, वो भी क्या है, वो भी सहजिया यही तो है। ये लक्षण कोई नहीं, आंसू वासू कोई नहीं है लक्षण, वो तो असली आंसू, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर अब वो असली आंसू हमें कैसे पता लगेगा? वो ऐसे पता लगेगा, तो कुछ और ऐसे नहीं पता लगता। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च तत् अहितुकम, ये है लक्षण, वैराग्य और ज्ञान से, उसके अनुभव से और वैराग्य से पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगेगा। समझ गए? तभी तो सरू दामोदर के पास कितने सारे लोग आते थे, वो पोएम बोलने तो आया था, इतनी सुंदर पोएम बनाई थी, बाकी सारे डिवोटीज का वाह वाह क्या सही है, और भाव विभोर भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। सरू दामोदर ने कहा बेवकूफ नॉनसेंस है ये। सो समझ गया ज्ञान गलत है उसका, उससे रिकॉग्नाइज किया ना उन्होंने, महाप्रभु को सुनाया नहीं सुनाया उन्होंने थोड़े ना कि उसने इतनी अच्छी बनाई है और भाव विभोर भी होता था, बहुत बड़ा पोएट था वो, रोता भी होगा, बंगाल में सबको रोने की आदत है, हैं? काशी से, हाँ काशी से आया, वो बंगाली नहीं था वो, है उसका भागवताचार्य का भाई था, बंगाली था, काशी में पढ़ने गया था, आया था वो। सो फिर तो ऐसे कहीं आते थे, तभी तो महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को सेक्रेटरी बनाया था कि भाई कहीं रोने वाले आएंगे मेरे पास मत भेज देना मैं तंग हो गया हूं, तुम पहले देख लो कि उसमें सही ज्ञान है या नहीं, फिलोसफिकली तो सही हो तब तो बात करेंगे, ये रोना धोना क्या है? समझे नहीं समझे? ऐसे है, मैं भगवान से दूर हूं, हाँ नहीं नहीं मैं भगवान से दूर नहीं हूं, भगवान मुझसे दूर है, तो मुझसे तो रहेगा ही रहेगा,
मुझे कैसे हटा दोगे? अपने बारे में नहीं सोच रहा, भगवान मुझसे दूर है, भगवान को दुख हो रहा है, भगवान की इच्छा है ना। और नमल बार कह रहे हैं आप यहाँ पे मत आइए, वो भी भगवान के लिए कह रहे हैं, अपने थोड़ा ना कह रहे हैं यहाँ पे मत आओ। नमल बार भी कह रहे हैं भगवान यहाँ पे मत आइए, बहुत एक संसार गंदा है, मुझे दर्शन मत दीजिए, ये दर्शन देने के लिए आपको संसार में आना पड़ेगा, आप मत आइए, मैं नहीं चाहता कि आपके पैर गंदे हों संसार में आकर। तो उन्होंने कहा आप अपने धाम में रहिए, मुझे मुझे दर्शन की इच्छा है मगर आप मत आइए प्लीज। तो भगवान के लिए ही तो है, और विरह की भावना भी भगवान के लिए है कि भगवान आपको कितना दुख हो रहा होगा, हम जीव आत्माओं से दूर होकर, हम भक्तों से दूर होकर, तो आपकी संतुष्टि के लिए वो विरह की भावना हो रही है। वैसे भी विरह भगवान को पसंद है, इसलिए भी ही लाइक्स टू सी डिवोटी जो विरह में होते हैं उनको बड़ा मजा आता है। जैसे रासलीला में भगवान अंतर्धान नहीं हो गए थे तो कहां चले गए थे? तो मैंने गोपियों को कहा कि मैं पेड़ पे छुप के देख रहा था तुम्हें, अरे तुम रो रही थी चिल्ला रही तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि उसमें प्रेम बहुत बढ़ जाता है, प्रेम की इंटेंसिटी, तो भगवान को मजा आता है ना, हमें पता है ना उसमें, इसलिए हम चाहते हैं। समझ गए? सपने ले थोड़े ना वो। क्या कह रहे हो? ओके, और कुछ पूछना है? अदरवाइज विल स्टॉप या खत्म हो गया फिर? ओके, शिला प्रभुपाद की जय।